जनपद मुजफ्फरनगर में जब से लॉकडाउन लगा है, सरकार द्वारा लगातार गरीब मुस्लिमों राशन धारकों को फ्री अनाज मुहैया कराया जा रहा है, तो वहीं वह फ्री अनाज बाजारों में बिक रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी सचेत है। वहीं आज पीडीएफ चावलों की सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्र के खंजापुर स्थित एक गोदाम पर पुलिस फोर्स के साथ जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मौके से 400-500 बैग में पीडीएफ का बिना मार्का का चावल बरामद हुआ है और अभी प्रशासन कुछ ही कहने में संकोच कर रहा है। वहीं जिला पूर्ति विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना मिली है कि खाजापुर गाँव में कुछ चावल की बोरियाँ रखी हुई हैं। एडीएम साहब के द्वारा सूचना दी गई है, तो जिसके क्रम में आपूर्ति विभाग की टीम के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये जांच की जा रही है कि ये चावल कहाँ से आया है, ये पीडीएस का है भी कि नहीं है, अभी संदेह की स्थिति है। सारे पेपर देखने के बाद में ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। कितना चावल है, कितनी मात्रा में है? लगभग 500 बोरी हैं, चावल हैं, और इसमें जो है 45, 46, 48, 50 की मात्रा में हैं, और बोरियों पर जो है पीडीएस का अभी तक जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई मार्का जो होता है वो अभी लगा हुआ नहीं पाया गया। प्लास्टिक की बोरियाँ जी, अभी जांच हो रही है, आगे हम जिस निष्कर्ष पहुँचेंगे बताया जाए। क्या लग रहा है गोदाम है ये जहाँ पे माल रखा हुआ है? ये जो है मिस्टर राघव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, खांजापुर शामली रोड मुजफ्फरनगर में, और इन्हीं के यहाँ छापेमारी चल रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।